everyone, welcome to our YouTube channel. This side Priyanshi, and today in this video I am going to talk about Rajasthan High Court Recruitment 2022. तो जी हाँ, जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, they have started the recruitment process. तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, राजस्थान के हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं इस गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा उठाना, इस जॉब के बारे में जानना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि राजस्थान के हाई कोर्ट में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कितनी लगेगी, और आपका अगर सिलेक्शन होता है तो वो सिलेक्शन कैसे होगा. तो ये सारी बातें जानने को मिलेंगी आपको आज की इस वीडियो में. सो इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें. सो राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट इन देयर डिपार्टमेंट एंड दे आर इन्वाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स. तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. सो अब बात करेंगे किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं. सो जो जिन पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं वो पद हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क. इन तीनों पदों पर जो हैं वो भर्तियां निकाली गई हैं और टोटल 2700 यानी 2700 जो हैं वो भर्तियां निकाली गई हैं. सो इस रिक्रूटमेंट के तहत टोटल 2700 पद जो हैं वो राजस्थान के हाई कोर्ट में भरे जाएंगे. तो अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या फिर क्लर्क की पोस्ट में इंटरेस्टेड है एंड एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, देन आप अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट की मैं बात करूँ तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए. इस रिक्रूटमेंट पर जो एप्लीकेशन हैं वो 22 अगस्त सोमवार से शुरू हो जाएंगी और आपकी अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 22 सितंबर. 22 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप उसके बाद अप्लाई करेंगे देन आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसिडर नहीं करी जाएगी. एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी की क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी वो फीस पे करनी होगी 500 रुपये. लेकिन आप ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर और AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन एप्लीकेशन फ़ीस है आपके लिए 400 रुपये, और अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपके लिए वो 350 यानी 350 है. बात करें कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे, तो आपका एक रिटन टेस्ट होगा और एक टाइप राइटिंग टेस्ट होगा. रिटन एग्जाम होगा और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है उसका टेस्ट किया जाएगा फॉर योर सिलेक्शन के लिए. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की मिनिमल डिग्री होनी चाहिए, बिना ग्रेजुएशन के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. सो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजस्थान हाई कोर्ट की उसको विजिट कर सकते हैं और 27 सितंबर से पहले पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड एलिजिबल है. ऐसी और एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.